माओ प्रभावित अंचल विजय संकल्प शंखनाद करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करे। एथपाई कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर माओ प्रभावित अंचल हो सुरक्षापी स्वतंत्र पदक्षेप नि चलित निर्वाचन में प्रधानमंत्री नारा होब की बार चारो पार एस छत्तीसगढ़ एगारटी लोकसभा आसन में बीजेपी विजयी हो बीजेपी नेता दृढ़ोक्ति करते प्रधानमंत्री निर्वाचन सभा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहिबे। अपराह्न 5टा रे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र चंद्रपुर प्रचार करिबे। गतकाली मोदी बिहार पश्चिमबंग पर मध्यप्रदेश में विशाल रोडशो करते इंडिमेंटो को सनातन विरोधी और दुर्नीतिग्रस्त कह प्रधानमंत्री आक्रमण करते। माओ प्रभावित अंचल विजय शंखनाद करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करे से कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा प्रभावित अंचल हो सुरक्षापी स्वतंत्र पदक्षेप नि चलित निर्वाचन में प्रधानमंत्री नारा होब की बार चारो पार छत्तीसगढ़ एगारटी लोकसभा आसन में बीजेपी विजयी होजेपी नेता दृढ़ोक्ति कर प्रधानमंत्री निर्वाचन सभा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहिबे। अपराह्न 5टा रे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र चंद्रपुर प्रचार करिबे। गोटेपटे माओ प्रभावित अंचल विजय संकल्प शंखनाद करने को प्रधानमंत्री थी अर्थात आज छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने को सेपटे माओ क्यांप ठाप हो चारि माओवादी गिरफ ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांत माओ क्यांप ठाप हो क्यांप पर पुलिस और सीआरपीएफ कोबरा बाहन मिलित चढ़ाऊ घटनास्थल चारि माओवादी गिरफ सहित विपुल विस्फोरक जबत होती 19टी बीजेएम बोमा सहित जिलोटिन जबत होता सूचना रही निहाती भाव में गोटे बड़ सफलता पुलिस पर माओ क्यांप ठाप होती चारि माओवादी भी गिरफ होती विपुल विस्फोरक भी जबत होती ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांत माओ क्यांप ठाप होती क्यांप पर पुलिस और सीआरपीएफ कोबरा बाहन मिलित चढ़ाऊ घटनास्थल चारि माओवादी गिरफ सहित विपुल विस्फोरक जबत 19टी बीजेएम बोमा सहित जिलोटिन जबत होता सूचना ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि विक्रम स्वयं। विक्रम आज छत्तीसगढ़ बस्तर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधन कार्यक्रम ता पूर्व ये माओ क्यांप ठाप चारि माओवादी गिरफ ता सहित विस्फोरक जबत गोटे बड़ सफलता कहीपर कि हाँ निश्चित रूप में बड़ सफलता कहीं जो भाव में छत्तीसगढ़ आंटी नक्सल ऑपरेशन को जोरदार पाई केंद्र सरकार बड़ प्रयास रही छत्तीसगढ़ केमी माओवादी हटा ता सहित यो आगू निर्वाचन आर्वाचन केमी सुरखुरी तमाम सुरक्षा बाहन सीआरपीएफ कथ कह डीएसएफ कथ कह छत्तीसगढ़ पुलिस कथ कह डीआरजी जवान आम पूर्व पखापाखि गत मसरे 30 जन माओवादी को एनकाउंटर कर हत्या कर सुरक्षा बाहन ता सहित विपुल परिमाण माओ सामग्री जबत होती कि गत काली घटनाटी कह छत्तीसगढ़ डीआरजी जवान सीआरपी गोटे मिलित कुम्बिंग अपरेसन चली केरलापाल थाना रही सुकुमा जिला केरलापाल थाना अंचल तुमरीपारा और मिशीगुड़ा जंगल एनकाउंटर चलते कुम्बिंग अपरेसन चलता जहाँ गोटे माओ शिविर को ठाब करते सुरक्षा बाहन जोटि की पखापाखि 10 रु 15 जन माओवादी थे जगह से पुलिस चार घेरी माओवादी मैंने खसवाक चेषा करते कि जगह चारिज माओवादी और दुई जन माओ समर्थक मिलिशिया को गिरफ्त कर सफल होती छत्तीसगढ़ सुरक्षा बाहन और से घटनास्थल विपुल परिमाणर माओ सामग्री जबत होनोटी के जी ओजन टिफिन बोमा 15 मीटर काटेक्स वायरी 10टी डेटोनेटर ता सहित एलएमजी बीजेएम यह सब विपुल परिमाणर माओ सामग्री जबत होती यही सब सामग्री आगामी निर्वाचन में माओवादी व्यवहार करते सुरक्षा बाहन क्षति पहुंचे व्यवहार करता ता सहित निर्वाचन में हिंसा घटा चेषा करते कि पूर्व गुंडा विभाग पूरा तत्पर देखाई कौली भाव में एमको यही माओवादी हिंसा कार्य को कमी रोकव से तत्पर देखिए आउ सफल होती सहित
ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗତ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ କେମିତି ହଟାଯିବ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି ସେଇ ତାପରଠୁ ମାଓବାଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀଳିମା ବିକ୍ରମ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଆସିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାପ ହୋଇଥିଲା, ଅପରେସନ୍ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ଯଦିଓ 4 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଓବାଦୀ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହେଁ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ? ନୀଳିମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେମିତି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିମ୍ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ବିଜାପୁର ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ବଡ଼ ଟିମ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚଳିତ 2 ମାସ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ତା ସହିତ କେମିତି ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଓବାଦୀ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ବିଜାପୁରରେ 36 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାନଭିନ୍ କରାଗଲା, 13 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଘଟଣା ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା, 4 ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ, ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ପୋଲିସ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କୋବ୍ରା ବାହିନୀର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 4 ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ ସହିତ 19 ବିଜିଏମ୍ ବୋମା ସହିତ ଜିଲୋଟିନ୍ ବି ଜବତ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।